जिंदगी झंड है, हर तरफ धुंध है और बढ़ रही ठंड है। हम जलाकर बैठे हैं आग, इसका हमें घमंड है। साला मानो ठंड नहीं हुई कि लुगाई हो गई। अरे शुक्ला भैया, आप भी क्या कह रहे हो, भला ठंड कैसे लुगाई हो गई? अरे बुढ़बक, देख नहीं रहे हो, हर दिन इसका तेवर बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बात तो सही कह रहे हो भैया, लुगाई की तरह इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि ठंड तो लुगाई से भी ज्यादा खतरनाक है। ठंड लुगाई से भी खतरनाक है, भला वो कैसे? देखो भैया, लुगाई को तो मायके भेज कर कुछ दिन आराम से जिया जा सकता है, लेकिन ठंड को तो कहीं नहीं भेज सकते है ना। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा तो शादी भी नहीं हुआ है ना, तो फिर ऐसा ज्ञान कहाँ से लाए? सब आप लोगों के संगत का असर है भैया, अब वैसे ठंड तो बहुत बढ़ गया है सच में। अरे ठंड के बढ़ने की तो बात ही नहीं करो, साला एक हफ्ते से नहाया भी नहीं हो, कपड़ा उतारने की हिम्मत ही नहीं होती है, शरीर में खुजली होने लगी है। क्या? हाँ, तभी तो बस खुजला खुजला कर खुजली वाल बन गया हूँ। सही कह रहे हो भैया, पानी तो साला इतना ठंडा हो जाता है कि मैं तो दूर से ही नमस्कार कर लेता हूँ। पानी की तो बात ही मत करो भाई, सुबह कुल्ला करने पानी मुंह में डालो तो लगता है साला दांत गल कर बाहर आ जाएगा। मैं तो रात को पानी भी नहीं पीता हूँ, साला कौन रात को इतनी ठंड में बार बार सुसु करने जाए। मुझे तो ठंड से इतना डर लगता है कि एक हफ्ते से मैं लैट्रिन भी नहीं गया हूँ। क्या क्या, एक हफ्ते से लैट्रिन नहीं गए हो, लेकिन क्यों? अरे भाई, पानी इतना ठंडा होता है कि हाथ से छुओ तो हाथ कांपने लगता है, तो जरा सोचो कि मैं धोऊंगा कैसे, हिम्मत जवाब दे जाती है यार। फिर जो खाते हो वो कहाँ जाता है? सब अंदर ही स्टॉक हो रहा है। साला कौन पेट खाली करने के चक्कर में ठंडा पानी छूने की गलती करे। बात तो सही कह रहे हो, सुबह सुबह धोने में तो और फट जाती है, इसीलिए तो मैं टॉयलेट पेपर लेकर जाता हूँ और उसी से साफ कर लेता हूँ। टॉयलेट पेपर से कैसे साफ कर लेते हो बे? बहुत आसान है भैया, हगने के बाद टॉयलेट पेपर फाड़ो और पिछवाड़े तक हाथ ले जाकर पोंछ लो, पानी छूने का कोई झंझट ही नहीं। छी, मेरा मन नहीं मान रहा, उसी हाथ से फिर दूसरा काम कैसे कर लेते हो? अरे भैया, पेपर से साफ करने के बाद थोड़ा गर्म पानी से हाथ धो लो, बस काम खत्म। बाप रे बाप, ये जान मारू पाद कौन छोड़ा है रे? साला इतना भयानक पाद मारा है कि सूंघ कर साला मुर्दा भी उठ कर बैठ जाए, लगता है जैसे मूली का पराठा खाया है, बड़ी भयानक बदबू आ रही है। अरे मुझे तो कई तरह के मिक्स गंध आ रहे हैं भाई, किसने ये माहौल खराब कर दिया है? लगता है इसी ने सड़ी गली गैस छोड़ा है। अब क्या करें भैया, इतने दिनों से गए नहीं है तो जब भी कभी प्रेशर बनता है तो ऐसे ही अंदर की हवा को बाहर की हवा के हवाले कर देता हूँ। अच्छा तो तुम ही ने ये पाद मुक्तासन किया है? साला कल से हमारे साथ मत बैठना, नहीं तो तुम्हारे गैस सिलेंडर का रेगुलेटर जाम कर देंगे। लेकिन भैया, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कल अपना टंकी खाली करके ही आना, समझे? हाँ, और अगर पानी से डर लगता है तो टॉयलेट पेपर ले लेना। साला माहौल गर्मा दिया। क्या बात है पिंटू भाई, कहाँ खोए हुए हो, आज कुछ बोल नहीं रहे हो? लगता है जो पानी पिया था वो ठंड के कारण गले में ही बर्फ बनकर जम गया है। क्यों भैया पिंटू, सही कहा ना? अरे नहीं नहीं, बेचारे का शादी नहीं हो रहा है और ठंड बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए बेचारा चुपचाप बैठा है, तुम लोग इसका दर्द नहीं समझ पाओगे। ये क्या सुन रहे? अरे शादी करना है तो बोलो, हम शुक्लवा की साली से करवा देते हैं। अरे वो तो अभी बच्ची है, तुम अपनी ही साली से करवा दो ना। अरे ये क्या अपनी साली की शादी करवाएंगे, वो तो हर रोज अपने लिए लड़का बदलती रहती है, इन्हें खुद नहीं पता कि इनका साड़ू कौन बनेगा। ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मैं अनाप शनाप नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपकी साली तो हर रोज अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती है। बात को मटियाओ यार। अच्छा तुम ये बताओ कि इतना देर से गुमसुम क्या कर रहे थे बे? मैं तो अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में सोच रहा था। ऑनलाइन क्लास? और तुम? तुम्हारा बाप कभी स्कूल नहीं गया और तुम ऑनलाइन क्लास करते हो? इसी को कहते हैं बाप गंवार और बेटा दिलीप कुमार।
अच्छा, कब होता है तुम्हारा ये ऑनलाइन क्लास? जब मर्जी हो, जब टाइम मिलता है क्लास शुरू कर लेता हूँ। ज्यादातर टाइम तो रात को ही क्लास लेता हूँ। रात को? और क्लास अबे कहाँ पढ़ रहा है बे? अपने कमरे में, वो भी रजाई तान कर। आजकल अपना टाइम ऐसे ही निकल रहा है। कौन पढ़ाता है, जेंट्स या लेडीज टीचर? लेडीज टीचर, वो भी दो दो। क्या नाम है तुम्हारे लेडीज टीचर का, जरा बताओ तो। मेरे टीचर का नाम है मियां खलीफा और सनी लियोनी। तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। मस्त देती है क्या क्लास? मस्त क्लास देती है, फुल एंटरटेनमेंट। तुम लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। अरे हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऊपर भूतनी का साया जो रहता है। अरे धीरे से बोलो यार, अगर भाभी सुन लेगी तो अंदर भी नहीं घुसने देगी। फिर रात भर ठंड से ठिठुरते रहना कलवा कुत्ते की तरह। अरे राजू भैया, आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? हाँ तो क्या तुम लोगों जैसा मैं फालतू बैठा हुआ हूँ जो दिखता रहूंगा हमेशा? अरे नाराज काहे हो रहे हो राजू भैया, जरा हियाँ तो आओ। अब बैठो हमारे पास, थोड़ा आग ताप लो। और बताओ राजू भैया, कहाँ रहते हो आजकल? तुम्हारे लिए अर्ज है कि मत ढूंढो मुझे इस जहाँ की तन्हाई में। वाह 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 वाह, क्या शायरी है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। अरे चुप करो यार, एक ने वाह वाह क्या बोला कि सब गीदड़ की तरह एक साथ हुआ हुआ बोलने लग गए। अबे पहले पूरा तो करने दो। हाँ भैया राजू, अपनी शायरी पूरी करो। हाँ तो मैं कह रहा था कि मत ढूंढो मुझे इस जहाँ की तन्हाई में, मत ढूंढो मुझे इस जहाँ की तन्हाई में, ठंड बहुत है भैया मैं हिलाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं मिलता हूँ बस अपनी रजाई में। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर अभी कहाँ निकले हो, इधर किसी जुगाड़ में? तुम लोगों की बकैती की आवाज अंदर घर तक आ रही थी, इसलिए चला आया। सोचा मेरे बगैर भला बकैती मजेदार कैसे हो सकती है। वैसे राजू भैया, तुम्हारी शायरी तो आजकल की हकीकत बयान करती है। आजकल सब या तो लुगाई में घुसे होते हैं या फिर रजाई में। तो तुम लोग यहाँ आग जलाकर क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई है क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें तो ठंड ही नहीं लगती। बताओ बताओ, कितने दिन हुए हैं नहाए हुए तुम्हें? अर्ज है कि लौट कर वो दीवाने नहीं आए, वादा करके निभाने नहीं आए। भरी बाल्टी ताकती रह गई राह मेरी, और हम ऐसे शहंशाह हैं जो नहाने नहीं आए। ऐसे शहंशाह तो आजकल हर घर में मिल जाते हैं। अच्छा भाई राजू, आज ठंड के शुभ अवसर पर अपना कोई ज्ञान पेल दो यार, अब तो आग भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो फिर सुनो, दो बातें हमेशा याद रखना, मुश्किल में घबराना नहीं। क्या? मुश्किल में घबराना नहीं, और ठंड में नहाना नहीं।